नेचर में जो कि है अपना इंद्रोद्रा पार्क, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो ये गांधीनगर हाईवे पे आपको मिल जाएगा, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आ सकते हो, काफ़ी एंजॉयमेंट हो जाती है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा दूँगी। सो एंजॉय गाइज। इतना खूबसूरत लग रहा है। तो ये तो बस एंट्री है गाइस इंद्रोद्रा पार्क की, एंड आप ना यहाँ पे कार भी लेके आ सकते हो। तो जैसे कि मैं अभी मेरे कार से ही आ गई हूँ, एंड अभी हम लोग अंदर जाएंगे। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, तो चलो यार फटाफट चलते हैं। गाइज आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी हम कार से अंदर जा रहे हैं, बिकॉज अभी ना हमको कार पार्क करनी है। तो चलो अभी देखते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है यार, दिस इज टू गुड। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं पार्किंग में, आप देख सकते हो ऐसा कुछ पार्किंग मिलेगा, एंड आज वीकेंड है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ पे। यहाँ पे ना आपको लेना पड़ेगा टिकट। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश लेते हैं ये लोग। सो मेक श्योर यू हैव इनफ कैश, कोई कुछ 30 रुपीज़ ऐसा कुछ टिकट है, लेकिन आपको कैश ज़रूर लगेगा गाइज, तो ये बात का आप ध्यान रखना। तो चलो यार अभी आगे चलते हैं थोड़ा। तो गाइज अभी हमने टिकट अंकल को दे दिया है, एंड अभी हमने पार्क में एंट्री की है, एंड अभी अंदर चलते हैं। काफ़ी कुछ देखने के लिए है यहाँ पे, वो आगे आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। आप देख सकते हो कितना पीसफुल है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। तो मेरे साथ बने रहना गाइज, कहीं पर भी जाना नहीं, बिकॉज मैं आगे ना आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। वाओ, ये आपको ऐसा कुछ स्टार्टिंग में मिलेगा फॉरेस्ट ऑफ गुजरात स्टेट, तो ऐसा एक मैप मिलेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली जस्ट चेक इट आउट, एंड अभी आगे चलते हैं। सो गाइज ये अभी डायनासोर एंड फॉसिल पार्क, तो अभी हम लोग जाएंगे। ओ भाई देखो आप, कितना बढ़िया लग रहा है यार, ये देखो पूरा डायनासोर जैसे व्यू है। तो एंट्री इतनी खूबसूरत है, तो आगे कितना खूबसूरत होगा, ब्यूटिफुल। सो गाइज आप जब भी यहाँ पे आओगे ना, तो थोड़ा खा पी के आना, बिकॉज आपको है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत पीसफुल लगता है, ना आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगी, तो खा पी के आना। ओके तो गाइज आप देख सकते हो एलेसोरस एंड इट्स प्रे स्टेगोसोरस। तो ओ माय गॉड आप देखे कितना बड़ा है, ओ भाई डरना मत। तो ये ऐसा कुछ आपको मिलेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ओ भाई एक और दूसरा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ रूट्स मिलेंगे, तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे कहाँ जाना है, लेकिन काफ़ी बड़ा है, एंड जगह जगह पे आपको ना ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कहाँ पे क्या लगा है। तो आप डेफिनेटली इसको रीड कर सकते हो, एंड काफ़ी मज़ा ले सकते हो, एक देख सकते हो आप। वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है यार, तो आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो। तो ऐसी जगहों पे ना आप डेफिनेटली आपके फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। कितना खूबसूरत लग रहा है यार, सच में यार पार्क में ज़रूर आना चाहिए। देखो आप इतना ब्यूटीफुल है यहाँ पे। तो गाइज आप देख सकते हो कि बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हो यार, आप आपके बच्चों को एजुकेट करते हो। तो ये देखो वो बच्चे बता रहे हैं डू नॉट क्रॉस, हेलो बच्चों। सो देखो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पार्क, यू कैन डेफिनेटली विजिट हियर विथ योर फैमिली विथ योर किड्स, तो काफ़ी लर्निंग भी हो जाएगा, एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे आके। तो गाइस चल चल के काफ़ी थक गए यार, मैं ना थोड़ा बहुत पानी पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलो आगे का थोड़ा और सफ़र है जो हमारा, वो पूरा करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आके ना मुझे बहुत ज़्यादा काम एंड पीसफुल लग रहा है, बिकॉज हमारी जो भागदौड़ की ज़िंदगी है ना यार, थोड़ा बहुत हमको पीस चाहिए एक्चुअली। तो डेफिनेटली आप आपके फैमिली के साथ वीकेंड में यहाँ पर ज़रूर आ सकते हो, तो आप कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जो कि हमको इतना खूबसूरत नेचर नहीं मिलता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो जैसे जैसे अभी टाइम हो रहा है ना, यहाँ पे काफ़ी जो भीड़ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज आज है वीकेंड। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है और लोग कितने मज़े कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे।
सो गाइज, अभी हम लोग जू की तरफ निकलते हैं। काफी खूबसूरत है ये, आप देख सकते हो, तो मैं आपको पूरा दिखा दूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये कुछ ऐसा एंट्री है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा ग्रीनरी लग रहा है। सो इनकेस अगर आप चल चल के थक जाते हो, तो हर जगह आपको ऐसे बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। आप देख सकते हो काफी ब्यूटीफुली एंड वेल मेंटेन है यार, लेकिन काफी काफी खूबसूरत लग रहा है। आपको बड़े बड़े स्नेक्स दिखा दूंगी, आप देख सकते हो। भाई साहब सो रहे हैं, इंडियन कोबरा। ओ माय गॉड, तो गाइज अभी आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो ये है रशियन स्वाइपर एंड वो भाई साहब वो कोने में सो रहे हैं। ओ भाई, कॉमन सैंड बोआ, तो गाइज आप देख सकते हैं इंडियन रॉक पाइथन एंड ये तो भाई उससे भी ज्यादा बड़ा है। निकल गया ना तो खा जाएगा हमको। ओह माय गॉड, तो गाइज आप देख सकते हो, गलती से भी अगर आ गया ना तो खा जाएगा हमको। तो ऐसा कुछ बोर्ड मिलेगा आपको एंड आप देख सकते हैं ग्रीनरी वगैरह काफी काफी खूबसूरत लग रहा है। ओह माय गॉड, आप मेरे सामने देख सकते हो गाइस, सिंह लॉयन। ओ भाई, तो हम लोग थोड़े ही उनके थोड़े ही सामने है गाइस, आप देख सकते हो। इतना खूबसूरत लग रहा है यार, सच में यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। एंड हम लोगों ने लॉयन देखे हैं, अभी आगे हम लोग जो है ना वो टाइगर देखने वाले हैं। तो चलो, वाव यार देखो काफी खूबसूरत लग रहा है यार, आप यहाँ पे जरूर विजिट करना। और आप देख सकते हो मेरे सामने एग्जैक्टली गाइस टाइगर है, जो कि है वाघ, आप देख सकते हो। वाव यार काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, लोगों की भी काफी भीड़ है इनको देखने के लिए। तो आप देख सकते हो, यू कैन जस्ट सी इन फ्रंट ऑफ मी। तो गाइज ये आप मेरे सामने एकदम लाइव टाइगर देख सकते हो, जो कि इंद्रोद्रा पार्क में है। काफी मजे ले रहा है वो, अभी पेड़ के नीचे गया, लेकिन वो जो नजारा है कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइज इनको कुछ इस तरह से रखा है एंड सामने कुछ है शायद, तो ये जंप नहीं कर सकते, तो लाइव हम लोग है ना इनको देख सकते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है लॉयन एंड टाइगर एंड आप देख सकते हो कितनी मतलब ऐश की लाइट में वो लोग रहते हैं यहाँ पे, कितने अच्छे से इनको मेंटेन किया है। आप देख सकते हो तो नजारा है कितना खूबसूरत है। सो गाइज मैंने आपको लॉयन लेपर्ड एंड टाइगर दिखाया, अभी टाइम आ गया थोड़ा बर्ड्स देखने का। तो मेरे सामने क्यूट से पैरट है, तो लोगों की काफी भीड़ है अपने बर्ड्स देखने के लिए। सो गाइस बहुत ही खतरनाक चीज मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि इंडियन पाइथन आप देख सकते हो। सो गाइज अभी मेरे सामने है वाइट डियर, आप देख सकते हो कितने क्यूट और प्यारे लग रहे हैं। सो गाइज काफी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो मेरे पीछे, आपको यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी मिल जाएगी। तो चलो अभी आगे चलते हैं। थोड़े थोड़े स्मॉल है वो, छोटे छोटे क्रोकोडाइल है, आप देख सकते हो। गाइज एक खतरनाक मगर हमारे यहाँ पे सो रहे, आप देख सकते हो कितने कितने बड़े बड़े क्रोकोडाइल है ना, आप देख सकते हो वो थोड़ा जग गया है। ओ भाई माय गॉड, तो
गाइस ऐसा कुछ आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो कि मैंने आपको क्रोकोडाइल दिखा दिए हैं। बहुत ही बड़े बड़े क्रोकोडाइल है यहाँ पे एंड काफ़ी खतरनाक है, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल एंड यू हैव टू एंजॉय एज वेल। तो चलो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, टॉर्टोइल दिखा देती हूँ बिकॉज वो भी यहाँ पे लगे हैं। गाइस ये है टॉर्टोइस या फिर कछुआ, जो भी आप बोलोगे। तो गाइस काफ़ी चल रहे हैं हम लोग, अभी भी हमारा सफ़र चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे ना आपको पीकॉक दिखेगा, काफ़ी खूबसूरत जगह पे वो बैठा है। सो काफ़ी मज़े कर रहे हो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस। एंड अभी भी थोड़ा जो है हमारा सफ़र बाकी है, सो प्लीज़ स्टे इन विथ मी। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल पीकॉक है यार, लेट मी शो यू गाइस। देख सकते हो, वाओ क्या मज़े ले रहे हैं भाई, वो तो एकदम मस्त। सो गाइज अभी हम लोग ना बॉटनिकल गार्डन देखेंगे, सो वी आर जस्ट गोइंग इनसाइड। सो आई विल जस्ट शो यू अ स्नैक पिक बिकॉज बाकी की सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट देख ली है, सिर्फ हमारा बॉटनिकल गार्डन पेंडिंग है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी खूबसूरत है एंड यहाँ पे भी आप पिक्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हो। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड पीसफुल प्लेस, सो यू कैन डेफिनेटली कम हियर विथ योर फैमिली। तो आप देख सकते हो इन्होंने ऐसा कुछ रखा है यहाँ पे, ये एलोवेरा है गाइज। इसके बाद आई थिंक ये पोमोग्रेनेट का पेड़ है एंड ये पूरा जो है ना काफ़ी अच्छा है, तो पूरा बॉटनिकल गार्डन है। सो गाइस कौन सा पेड़ पौधा किस बारे में है, तो देखो कितने अच्छे से इन्होंने लिखा है यहाँ पे, जैसे है ये नैकडॉन वगैरह, तो काफ़ी अच्छे लग रहा है यहाँ पे आके, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है एंड कितने अच्छे से मेंटेन किया है इन लोगों ने, आप ये भी देख सकते हो। सो थोड़ा आगे चलते हैं अब। सो गाइज यू मस्ट नो दिस इज कैक्टस एंड आप देख सकते हो कितना बड़ा हो गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आई थिंक ये बनाना है, बनाना लीव, वाओ काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा है बॉटनिकल गार्डन में, जैसे कि हमने जू वगैरह देखा, ये भी काफ़ी उतना ही बड़ा है। सो आप देख सकते हो दिस इज लुकिंग डैम, वाओ वाओ। एंड गाइज ये है अपना सपोटा या फिर चिकू, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। सो ऐसे यार यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन में पूरे पेड़ पौधे हैं। सो गाइज मैंने अभी आपको दिखाया है बॉटनिकल गार्डन, ये काफ़ी बड़ा है एंड अगर आपको डिफरेंट वराइटीज ऑफ प्लांट देखना पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली विजिट हियर। तो ये काफ़ी बड़ा है, तो यू कैन डेफिनेटली कम हियर एंड आप यहाँ पे थोड़ा विजिट कर सकते हो। तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे एंड मैं आपको दिखा देती हूँ। सो सो हे गाइज अभी मैं बॉटनिकल गार्डन में ही बैठी हूँ एंड गाइज दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज ब्लॉग गाइज। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो अभी हम लोग अपने वीडियो का एंड करेंगे इस बॉटनिकल गार्डन में एंड आप डेफिनेटली आपकी फैमिली के साथ यहाँ पे जरूर विजिट करना, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एक्चुअली मुझे जाने का मन नहीं हो रहा है बट जाना तो पड़ेगा ही। सो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो अभी कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है। तो आप अगर चाहते हो तो थोड़ा जल्दी आ सकते हो क्योंकि बाद में ना यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाएगी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ज़्यादा अभी भीड़ हो गई है, तो आप देख सकते हो। तो चलो गाइज अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल डेफिनेटली मीट नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट ब्यूटीफुल व्लॉग। बाय बाय।